हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिम्फनी, आ गए हूं आपके लिए आज एक नया वाला व्लॉग लेके। तो कल है थर्सडे, तो थर्सडे के लिए पहले मैं अपने किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि हमारे उड़ीसा में क्या होता है कि हर जो मार्गशीर्ष का महीना होता है वो महीने में हर थर्सडे को हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो वेडनेसडे के दिन हम लोग पूरा किचन को अच्छी तरह से क्लीन करके, फ्रीज वगैरह को क्लीन करके, फिर थर्सडे के दिन हम लोग अपनी पूजा वगैरह करते हैं। मेरा फ्रिज क्लीन हो गया है। अब मैं जो मसाले वगैरह नॉर्मली मैं फ्रिज में रहते हैं उनको रख दूंगी, मिर्च वगैरह जो बेसिकली फ्रिज में रहते हैं उनको अच्छी तरह से रख दूंगी। और हो गया है अभी हमारा मेन काम, अब हम रात को ही मैं आपसे बात करती हूँ। तो वेडनेसडे इवनिंग को यहाँ पर मैंने चारों घर में चारों तरफ पोछा लगा के यहाँ पर मैं बना रही हूँ अल्पोना। अल्पोना मेरे को उतना अच्छा नहीं आता जितना मेरे को आ रहा था, उतना मैंने बनाया है। आई होप कि आप लोग समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे मॉर्निंग, यानी 5:30 तक मैं नहाकर रेडी होके यहाँ पर ठाकुर जी के कमरे में आ गई थी। तो सबसे पहले पूजा स्टार्ट करने से पहले पहला काम रहता है कि माँ को घर के अंदर बरन करके लाना। तो पहले मैंने जहाँ पर रंगोली वगैरह बनाया था वहीं पर ही कलश रख के, भोग चढ़ा के और दीप दे के माँ को घर के अंदर मैं आमंत्रित करूँगी। उसके बाद ही मैं अपना माँ को अपने स्थान में रख के पूजा वगैरह स्टार्ट करूँगी। देखिए, यहाँ पर जज मत करिएगा, मेरे को जितना पता है मैं उतना ही कर रही हूँ और सबका पूजा का ये अलग होता है।
तो बाहर से पूजा करके आने के बाद यहाँ पर माँ को मैंने अपने एक आस्थान में बिठा के उनको फूल वगैरह दे दिया है। मेनली माँ को लोटस फ्लावर चढ़ाया जाता है, लेकिन लोटस मेरे को नहीं मिला, इसलिए मैंने गेंदे के फूल से ही माँ को सजाया है। एंड अभी मैं सारे ठाकुर जी को फूल वगैरह, चंदन सिंदूर वगैरह दे के उनको सजा लूँगी। और यहाँ पर आपको मेरा हैंड लेफ्ट हैंड जैसे दिख रहा होगा, पता नहीं मेरे फ़ोन में कुछ मिरर इमेज का प्रॉब्लम हो गया है, उसको मैं ठीक करूँ। तो अभी मैं सारे फूल वगैरह और सिंदूर वगैरह लगाने के बाद माँ के पास और सारे ठाकुर जी के पास फल और रसगुल्ले का भोग चढ़ा दूँगी। इसको बाल भोग बोलते हैं। वो बाल भोग में फल और रसगुल्ला वगैरह इसलिए चढ़ा रही हूँ, एक्चुअली मैं ये छेना भोग में लगता है, छेना और आपका बनाना और गुड़ और केला, ये सबको मिला के एक प्रसाद बनता है। छेना नहीं मिला इसलिए मैं रसगुल्ला यहाँ पर भोग पे चढ़ा रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे, सुबह सुबह आप लोगों ने देखा कि पूजा वगैरह मेरा ख़त्म हो गया है। अभी मैं लंच बना रही हूँ और लंच में जो प्रसाद वगैरह बनाऊँगी वो सारे प्रिपरेशन एक थाली की तरह मैं प्रिपेयर करूँगी और माँ को वो भोग चढ़ाऊँगी, तो वो सारा मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। अभी मैंने चावल बिठा दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं खिचड़ी। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल चावल में थोड़ा सा जो चना दाल होता है उसको डाल के हल्दी और नमक डाल के मैंने उसको बिठा दिया है। फिर इसके ऊपर मैं नारियल और चीनी देके उसको माँ के पास भोग चढ़ाऊँगी। अभी मैंने चीनी वगैरह इसलिए नहीं ऐड किया है क्योंकि हस्बैंड को नारियल और चीनी का वो जो कम्बिनेशन होता है उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मैंने नॉर्मल करके अभी चढ़ा दिया है। अभी चलिए मैं एक एक करके प्रिपरेशन आपको दिखाती हूँ। पर देखिए, खिचड़ी के लिए मैंने चावल और चना दाल को यहाँ पर थोड़ा हल्दी और नमक देके यहाँ पर बिठा दिया है। और अभी मैं तैयार करूँगी डालमा। डालमा के लिए मैंने यहाँ पर घी लिया है। घी में मैं ऐड करूँगी जीरा और अदरक को मैंने ग्रेट करके रखा है। अदरक और टोमेटो 1 लूँगी मैं, और उसके बाद दाल और सारे जो वेजिटेबल्स मैंने कट किया है उसको मैंने सब धो के एक बाउल में पानी दे के रखा है, उसमें उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फिर नमक कंड हल्दी दे के मैं डालमा को बिठा दूंगी।
तो डालमा बिठाने के बाद अभी मैं खीर प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सूजी की खीर बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा घी ले लिया है और ये देखिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सूजी। सूजी को थोड़ा गोल्डन फ्राई होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फिर दूध चीनी वगैरह दे के इसको 5-10 मिनट आप बिठा देंगे तो बहुत अच्छा और यम्मी वाला खीर रेडी हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने दूध ऐड कर दिया है। अभी मैं चीनी ऐड करूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए हमको ऐसे चलाना पड़ता है, नहीं तो वो जो सूजी होता है वो बॉन्ड होके अच्छा नहीं लगता। थोड़ी चलाने के बाद ही आपका 5-10 मिनट्स में ये खीर बन के रेडी। तो ये है पूड़ी पिठा। इसमें मैंने उड़द दाल में नारियल, केला, अदरक, नमक, चीनी और ये जो मौसम्बी का रस दे के इसको अच्छी तरह से मैं अभी मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा तेल गरम हो गया है और ये देखिए खिचड़ी में मैंने नारियल वगैरह डाल दिया है, डालमा हो गया है। और तेल गरम होने के बाद वो जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो पीठा के लिए वो मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको फ्राई करूँगी। ये पीठा बहुत ही टेस्टी होता है एंड डिलीशियस होता है। ये जगन्नाथ जी के पास भी भोग में चढ़ता है। तो ये देखिए हमारा पूड़ी बन के एकदम रेडी है। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, 9 या 10 ऐसा कुछ बनाया है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में पूजा का सामान नहीं बनाना चाहिए। और माँ लक्ष्मी पूजा बोलते हैं कि जो बनाया है वो उसी दिन ख़त्म करना होता है। अभी मैं और एक पीठा बनाऊंगी, इसे बोलते हैं बूढ़ा चकुड़ी। बूढ़ा चकुड़ी के लिए मैंने यहाँ पर उड़द दाल और चावल का मिक्सचर लिया, लेके उसको अच्छी तरह से बैटर बना दिया है। और उस बैटर में मैंने चीनी, नारियल, अदरक का ग्रेट करके अदरक थोड़ा और क्या थोड़ा नमक दे के इसको बस पैन में डाल दिया है। और ये देखिए मेरा बूढ़ा चकुड़ी भी बन के रेडी हो गया है। और इधर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है, उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पंचफोरन। फिर टोमेटो को मैंने काट के रखा है थोड़ा, उसमें मैं कड़ी पत्ता दूंगी और इसमें मैं टमाटो का चटनी बनाऊंगी तो ये ऐड करूंगी। टोमेटो ऐड करने के बाद मैं इसमें दे दूंगी नमक, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। वो सब दे के मैं पानी डाल के यहाँ पर देखिए इसको छोड़ दूंगी टमाटो को गलने के लिए। और टमाटो पूरी तरह से गल जाए उसके बाद ही मैं इसमें चीनी ऐड करूँ। तो ये देखिए मेरा पूरा प्रसाद बन के रेडी हो गया है। प्रसाद में पीठा है, खीर है, दालमा है, खिचड़ी है और टमाटो का चटनी है। ये सब लेके हम चलते हैं माँ के पास भोग लगाते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बस अभी मेरा सारा कुछ ख़त्म हुआ, पूजा वगैरह एंड जो कुछ सुबह से लगी पड़ी थी। सुबह 5 बजे से उठी हूँ मैं, सारा कुछ ख़त्म किया। हस्बैंड भी सुबह कुछ लंच लेके नहीं गए थे, मैंने बोला था कि पूजा में इतना सारा बना रही हूँ खाना तो आप आ जाना खाने के लिए, तो वो अभी आके जस्ट खाना खा के गए हैं और मैं अपने रेगुलर ड्रेस में आ गई हूँ। साड़ी पहना था सुबह वो, क्योंकि हमारे यहाँ आप लोग देखोगे कि सारी कोई पूजा वगैरह में साड़ी ही मेन होता है। तो आज का पूजा बहुत अच्छे से गया, मन को बहुत शांति मिला। बहुत दिनों से सोच रही थी कि ऐसे कुछ करके माँ को अन्न का प्रसाद दूंगी, लेकिन नहीं दे पा रही थी। कुछ मन में था, आज भी कुछ माँ को मांगा है तो माँ
आई होप कि मेरी बात मेरी पूजा को एक्सेप्ट करेंगी एंड मैं पूरा जो बोलते हैं कि मैं पूरा जो प्रोसीजर है वो मैंने फॉलो नहीं किया है, जो नया धान से ये पूजा, नया धान रख के पूजा वगैरह होता है, माणव वगैरह बस रख के पूजा वगैरह होता है, मैं वो नहीं की हूँ, क्योंकि वो जो मेन हाउस होता है यानी मेरे ससुराल में, अगर मेरी जब तक मेरी सास जिंदा है टचवुड, वो हम लोगों को सेकंड थर्ड ऐसे करके नहीं करना है, बस मैं अपनी खुशी के लिए माँ के, जो लक्ष्मी माँ के पास भोग चढ़ाई हूँ, जो मेरे को आता है वो मैंने किया हुआ है। काइंडली डोंट जज, सबका प्रोसीजर अलग होता है, हमारे यहाँ का प्रोसीजर थोड़ा अलग होगा, आपके यहाँ का अलग होगा, ऐसे करके होगा। तो जितना मेरे से हो पाया है मैंने किया है। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।